पी आर को ये लोग वो कर रहे हैं ये मल्टीप्लेक्स प्रॉपर्टीज़ हैं तो न्यूज़ वगैरह या रिसर्च करता हूँ लगाया स्टूडेंट्स पे कैप कैनेडा की इमिग्रेशन पॉलिसीज़ चेंजेस हो रही हैं काफ़ी जब से 2024 शुरू हुआ है पहले उन्होंने जो है स्टूडेंट्स पे कैप लगाया जनवरी में और फ़रवरी फर्स्ट से इसको इम्प्लीमेंट किया और उसके बाद वर्क वीज़ेस को एल को इन्होंने वो किया पीआर को ये लोग वो कर रहे हैं कैटेगरी वाइज कर रहे हैं और काफ़ी सारी चेंजेस हो रही हैं जब से 2024 शुरू हुआ है तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो इसको ज़रूर वॉच करें और ज़रूर शेयर करें वालेकुम आपका दोस्त यासिर ख़ान मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे जैसे कि आप जानते हैं मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में फुल टाइम रियल स्टेट में हूँ विद मेनी 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 इयर्स एक्सपीरियंस इन टोरंटो एंड सराउंडिंग्स रियल स्टेट मार्केट आपके जहन में कोई भी सवाल है वो छोटा है बड़ा है डजन मैटर वो रेजिडेंशियल है कमर्शियल है इन्वेस्टमेंट है या कोई रेंटल आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो मल्टीप्लेक्स प्रॉपर्टीज़ हैं राइट काफ़ी अच्छी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तो आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं चले जी टॉपिक की तरफ चलते हैं कि कनाडा की इमिग्रेशन का फ्यूचर uh, क्या हो सकता है मुझे क्या लगता है और यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले कंटिन्यू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर ये दूँगा कि मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूँ ना मैं कोई लॉयर हूँ मैं बेस्ड ऑन अपने एक्सपीरियंस से या जो मैं थोड़ी बहुत न्यूज़ वग़ैरह या रिसर्च करता हूँ तो उससे बेस्ड मैं ये वीडियोस बनाता हूँ काफ़ी सारे लोग जो हैं वो मेरी इन वीडियो बनाने से खुश नहीं हैं और वो अक्सर नेगेटिव कमेंट्स करते रहते हैं कि मैं इमिग्रेशन कन्सल्टेंट नहीं हूँ तो मैं इस तरह की वीडियोज़ क्यों बना रहा हूँ तो मैं तो एक ऑनेस्ट अपनी जो वो है रिसर्च करके आपके सामने एक चीज़ पेश करता हूँ और मैंने कभी ये नहीं बोला कि मैं आईआरसीसी या कोई मैं इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ या मेरे पास आए अपनी इमिग्रेशन की फ़ाइल कराने के लिए ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कोई भी ऑनलाइन से ले सकता है अगर आपके पास थोड़ी बहुत नॉलेज भी है तो ये इंफॉर्मेशन आप भी ले सकते हैं कोई भी ले सकता है तो जिस तरह मैं थोड़ी बहुत अपनी रिसर्च करता हूँ क्योंकि मैं अपनी रियल स्टेट के लिए काफ़ी रिसर्च करता हूं तो डेफिनेटली न्यूज़ वगैरह देखता रहता हूं कि क्या हो रहा है क्या पॉसिबिलिटीज़ हो रही हैं आने वाले लोगों में दिनों में कितने लोगों ने आना है किन चीज़ पे ये लोग रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं तो बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस माय नॉलेज मैं अपने सामने एक एक वीडियो आपके सामने बना के पेश कर देता हूँ कि किसी का बेनिफिट हो जाए अगर आप नेगेटिव हैं तो अल्लाह तौ आपके लिए आसानी का मामला करें मैं हमेशा दुआ करूँगा नेगेटिव uh, आदमी कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता ऐसे लोग जो दूसरे को खुश होते हुए नहीं देख सकते अल्लाह ताला उनके लिए आसानी का मामला करें हम दुआ करेंगे इन और चले जी टॉपिक की तरफ चलते हैं कि जनवरी 2024 में सबसे पहले इन्होंने लगाया स्टूडेंट्स पे कैप और वो कैप जो लगाया वो इन्होंने लगाया दो साल का तो दो साल के बाद यानी कि जनवरी ट्वेंटी में उन्होंने कैप लगाया तो गिव टेक जनवरी ट्वेंटी में दोबारा उसको देखेंगे कि किस तरफ चीज़ें मूव कर रही हैं कैप उन्होंने इसलिए लगाया कि जो टम्प्ररी रेजिडेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा कनाडा के अंदर आ गए आफ्टर कोविड बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हुए कंट्री में आए हैं विजिट वीज़े पे आए हैं लोगों ने असायलम फ़ाइल किया है टेम्प्रेरी रेजिडेंट बहुत सारी उसमें फॉर्म्स हैं जिसमें विज़िटर्स हो गए आपके पास जिनके वर्क परमिट एक्सपायर हो गए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के आपके वर्क परमिट एक्सपायर हो गए तो बहुत सारे उसमें टेम्प्रेरी रेजिडेंट हैं तो इसलिए उन्होंने उस पर कैप्स लगाए कि भाई इसको आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल किया जाए दो साल में मॉनिटर किया जाए कि दो साल में क्या पोजीशन होती है और हो सकता है कि वो इस इस कैप को दोबारा रिव्यू करें आफ्टर टू ईयर्स हो सकता है वो इसको इंक्रीज कर दें आने वाले दिनों में हो सकता है ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जिन्होंने आना है बहुत ही अच्छे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं कॉलेज़ हैं हो सकता है कि ज़्यादातर वही लोग लोगों को स्टूडेंट वीज़ा दे सकें नॉट एवरी कॉलेज जो मैंने जो चीज़ें रिसर्च की हैं जो चेक किए हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये जो स्कूल्स वगैरह हैं तो अगर जो भी अच्छे स्कूल्स होंगे जो बड़े नाम हैं यूनिवर्सिटीज़ हैं कॉलेज हैं राइट जो अपने स्टूडेंट्स वगैरह के लिए अच्छा सोचते हैं आए अच्छी एजुकेशन वगैरह है और वो सारी फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो मोस्ट प्रॉब्लली आने वाले दिनों में ज़्यादातर जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी वो उन्हीं स्कूल्स या यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को मिलेंगी अब हम बात कर लेते हैं कि एल एम आई ए पर भी इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई पहले ये एक साल का होता था अब इन्होंने इसको सिक्स मंथ्स का कर दिया है उसमें भी काफ़ी सारे ये लोग कैटेगरी लेके आ गए हैं कि पर्टिकुलर स्किल की अगर इनको नीड है राइट right, जिस स्किल में शॉर्टेज है तो उसी स्किल में ये लोगों को चाह रहे हैं कि बाहर से आए फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह हेल्थ सेक्टर है हेल्थ सेक्टर में इनको काफ़ी ज़रूरत है लोगों की राइट right, कोविड के बाद Uh, पूरे कनाडा में नर्सेस की पीएसडब्ल्यू की और जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनकी बहुत डिमांड है स्टिल द डिमांड इज़ वेरी हाई तो चांसेस ये हैं कि अगर आप किसी हेल्थ सेक्टर से हैं तो आपको एल मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कंपेयर टू किसी और कैटेगरी अब हम बात कर लेते हैं कि जिस तरह एल हो गया हेल्थ के अलावा और कौन सी इंडस्ट्रीज़ हो सकती हैं हेल्थ के अलावा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में बहुत डिमांड है Uh, यहाँ पे हाउसेस के क्राइसिस चल रहे हैं अगर आप इंजीनियर्स हैं या आप टेक्नीशियंस हैं या कमर्शियल uh, अपने uh, जो कंस्ट्रक्शन में किसी फील्ड में भी ये हैं आप तो उसकी डिमांड अभी भी बहुत ज़्यादा हाई है पूरे कनाडा में इनको बाय 2032 थर्टी तक तकरीबन 3.9 पॉइंट मिलियंस होम चाहिए जो कि एक बड़ा नंबर है अगर हम उसको देखें तो वो तकरीबन गिवेंट टेक तीन चार लाख घर पाँच लाख घर पर साल के बनते हैं राइट right? तो अगेन नंबर्स जो हैं वो काफ़ी हाई हैं तो आप अगर कंस्ट्रक्शन में हैं और अगर आप स्किल ट्रेड में हैं तो आपके लिए पॉसिबिलिटीज हो सकती है इसके अलावा अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के जो ट्रॉलर्स वगैरह होते हैं उनकी काफ़ी डिमांड है पूरे कनाडा में उनकी बहुत डिमांड है उनकी बहुत जॉब्स हैं राइट तो अगेन इट ऑल डिपेंड्स कि आप एल जो है वो किस पर्टिकुलर कैटेगरी में लेना चाह रहे हैं अब हर कैटेगरी में एल आपको मिलना बहुत मुश्किल है ओनली पर्टिकुलर स्किल्स जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है उन्हीं में आपको एल मिलने के चांसेस हैं और एल में भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं लोग इसको अनफॉर्चुनेटली थर्टी थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड डॉलर्स में बेच रहे हैं जो कि टोटली इनलीगल है राइट right? तो अगेन चीज़ें चेंज हो रही हैं विज़िटर वीज़ाज़ में भी काफ़ी ये लोग रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं काफ़ी सारे लोगों के विज़िटर वीज़ाज़ जो हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं राइट इसी तरह असाइलम पे भी ये लोग काफ़ी वो कर रहे हैं क्योंकि इनका काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग चल रहा है बाय uh, अप्रैल 2024 इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकिंग आई थिंक 42 टू और फोर्टी थाउजेंड लोगों ने असाइलम फाइल किए पर ईयर जो टारगेट होता है इनका इनकी जो कोशिश होती है कि दे कैन मैनेज फिफ्टी पीपल फॉर असाइलम लास्ट ईयर इनका जो टारगेट था उससे बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन मिली इनको तो लास्ट ईयर इन्होंने तकरीबन 52,000 टू थाउजेंड असालम के केसेज जो रेफ्यूजी केसेज हैं उसको इन्होंने प्रोसेस किया इस साल ये नंबर काफ़ी और ऊपर चला गया है इस पर काफ़ी असालम पे भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगा दी तो एट दी एंड मुझे ऐसा लगता है कि कैनेडा जो है आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स टूवर्ड्स इमिग्रेशन करेगा क्योंकि टेम्प्ररी रेजिडेंट इस वक्त कैनेडा में बहुत हैं वो चाह रहे हैं वो एक नंबर जो आईआरसीसी ने दिया है वो रफली तकरीबन हाफ मिलियन पाँच लाख के करीब लोग हैं जो कि टैंप्रेरी रेजिडेंट्स हैं तो उनकी कोशिश है कि मैक्सिमम लोगों को उसमें कहीं ना कहीं आ, सेट किया जाए किसी ना किसी स्किल में अगर वो हैं उनको पी कार्ड दे दिया जाए इसी तरह जो ट्वेंटी का जो इमिग्रेशन का नंबर है वो ट्वेंटी फोर का गिवन टेक फोर हंड्रेड एंड एटी फाइव थाउजेंड के करीब है इसी तरह अगर हम बात करते हैं ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव की वो हाफ मिलियन है 2026 20, की अगर आप बात करते हैं तो वो भी हाफ मिलियन है तो आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि कैटेगरी बेस्ड चीज़ों को ये करेंगे जिन कैटेगरी uh, की जिन स्किल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड होंगी उन्हीं को ये लोग ज़्यादा फोकस करेंगे उन्हीं में इनकी कोशिश होगी कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो बंदे अगर उन्होंने बाइट से लेने हैं तो वही लें प्लस अगर आपने एजुकेशन करनी है डाउन द रोड अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो अगेन इसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो पर्टिकुलर कोर्स है अगर उस कोर्स की डिमांड है तो आपको डेफिनेटली उसका जो वर्क परमिट है उसके मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं फॉर एग्जांपल आप हेल्थ में कोई एजुकेशन ले रहे हैं राइट right? uh, इसी तरह इट ऑल कंस्ट्रक्शन में कुछ कर रहे हैं कोई डिप्लोमा कर रहे हैं या कुछ और कोर्स कर रहे हैं तो इट ऑल डिपेंड्स के इनको अब जो बड़े ही लिमिटेड कैटेगरीज़ के लोग कनाडा के अंदर चाहिए अल्लाह करे आप सब जो जो इस वीडियो को देख रहा है जो जो आना चाहता है अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानी का मामला करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कनाडा में चीज़ें काफ़ी चेंज हो रही हैं काफ़ी हार्डर से हार्डर हो रही हैं डेली बेसिस पे काफ़ी अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम्स हो रहा है महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा हो गया तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको प्लीज़ लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें एंड वंस अगेन आई एम नॉट अ इमिग्रेशन कंसल्टेंट मैं आपको सिर्फ़ अपनी जो रिसर्च करता हूँ उसकी बेस पे एक वीडियो बना के आपके सामने पेश करता हूँ हंसते रहें मुस्कुराते रहें खुशियाँ बाँटते रहें इन बहुत जल्द ऐसी ही किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात रहेगी अपना बहुत ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़ ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर